हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओपनिंग स्पोर्ट 11 में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और फ्रेंड्स यहां से आयरलैंड के बीच में जो सेकंड मुकाबला खेला जाएगा ओडीआई मैच का। तो फ्रेंड्स, यहां से पहले मैचेस का सारा रिकॉर्ड लेके आए हैं हम विद बैटिंग ऑर्डर के साथ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ यहाँ से ग्रैंड लीग के लिए टिप्स देने वाला हूँ, जो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटिंग के हिसाब से डिपेंड करेगा किस यहाँ पर कौन सी टीम की पहले बैटिंग आती है, कौन सी टीम की सेकेंड बैटिंग रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से मैं सारा परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे YouTube पे आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड मुकाबला खेला जाएगा जो ओडीआई का रहेगा, वहीं देहरादून में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बाद देखिए आप जो फर्स्ट ओडीआई का फ्रेंड्स यहाँ पे मैच हुआ था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, फिर यदि अफगानिस्तान की बैटिंग आती है तो आपने किस प्रकार अपने प्लेयर को ट्राई करना है, फ्रेंड्स सारी जानकारी आपको इस वीडियो में भी मैं फिर से देने वाला हूँ। पहले फ्रेंड्स, इनके जो पांच पांच मैचेस हुए हैं उनका रिसेंटली फॉर्म देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फ्रेंड्स दो मैचेस विन किया है, दो लूज़ किया है और एक मैच इनका टाई हो गया था। इसके अलावा देखिए आयरलैंड ने एक ही मैच विन किया और चार मैचेस इन्होंने हारे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अफगानिस्तान का बेहतर फॉर्म है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते देखिए अफगानिस्तान का जो हेड टू हेड मुकाबला हुआ है आयरलैंड के साथ में, तो इन्होंने छह मैचेस खेले हैं ओडीआई के। फ्रेंड्स, छह मैचेस में से चार मैच यहां पे अफगानिस्तान ने वॉन किए हैं और फ्रेंड्स यहां पे दो मैचेस आयरलैंड ने भी जीते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आयरलैंड भी यहां से फ्रेंड्स टक्कर दे सकती है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्क्वाड का आप देख सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा स्क्वाड है, आप एक बार स्क्वाड को देख लें और इसके अलावा देखिए आयरलैंड का स्क्वाड देख लें। इसके अलावा देखिए टीम न्यूज है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जाके फ्रेंड्स बैटिंग ऑर्डर सेम सेम लिखा है इधर पर। इसके अलावा देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो फ्रेंड्स यहाँ से आयरलैंड की तरफ से रहने वाली है, जो कि यहाँ से थॉमसन को लेकर थोड़ी सी न्यूज आ रही है कि भाई थॉमसन को इस मैच में मौका दिया जा सकता है यहाँ पे, या फिर लॉरकन टोकर आ सकते हैं, दो प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पे आ सकते हैं जेम्स मैकॉलम की जगह, जिनको यहाँ से वन डाउन खिलाया गया था आपने देखा, और आते फ्रेंड्स इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं तो इनको टीम चाहे तो रिप्लेसमेंट कर सकती है। बाकी फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता एक टीम को मौका और देना चाहेगी इनको, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये खेलने वाले हैं। बाकी यहाँ से थॉमसन का भी अच्छा ऑप्शन है, आपको पता है अच्छा परफॉर्मेंस दे देते बैटिंग प्लस बॉलिंग से। इसके अलावा देखिए मकार्थी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, एक ही विकेट निकाला था इन्होंने लेकिन फ्रेंड्स कम लोगों ने लिया होगा, मुर्तक को विकेट नहीं मिला था तो ये इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकती है आपके लिए। बाकी बॉडी रैंकिंग तो आपके लिए मस्ट पिक रहने वाली है। बाकी यहां से देखिए बात करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा इनका, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का ओपनिंग आए थे यहां से मोहम्मद सजाद ने 43 रन लगाए थे और यहां से हजरतुल्ला जजाई ने 25 रन लगाए थे, पर फ्रेंड्स वही ग्राउंड है और फ्रेंड्स यहां पर बॉलें भी बहुत ज्यादा, मतलब ओडीआई का मैच है फ्रेंड्स, T20 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया जा जाए नहीं, तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है इस मैच में। इसके अलावा देखिए रहमत शाह हैं तो फ्रेंड्स ये आपको खेलते मिल जाएंगे, रहमत शाह ने भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 रन का योगदान दिया है। इसके अलावा देखिए हजरतुल्ला शहीदी आए थे, ये अच्छा, हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, 9 रन बना के आउट हो गए थे। यहाँ पे गुलबदीन नायब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, दो विकेट निकाले हैं, बैटिंग से 46 रन बनाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। और फ्रेंड्स इनको ऊपर इसीलिए लाया गया था 5 नंबर पर खेलने के लिए, मोहम्मद नबी को काफ़ी नीचे ले गए थे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो असगर अफगान ने 7 रन बनाए, पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और कभी भी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नजीबुल्ला जिदरान ने 12 रन बनाए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ में लिखा हूँ तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा अपनी टीम बनाते समय। बाकी देखिए मोहम्मद नमी ने एक विकेट निकाला, एक मिला राशिद खान को, और फ्रेंड्स यहाँ पर दौलत जिदरान ने कमाल की बॉलिंग की, फ्रेंड्स यहाँ पर 3 विकेट निकाले हैं और मुजीब ने भी 3 विकेट निकाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं राशिद खान को, बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया भी होगा पर आप देख सकते हैं एक विकेट निकाला, बैटिंग बहुत नीचे आती है तो कैप्टन बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। तो फ्रेंड्स आप इनको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि एक मैच में फ्रेंड्स नहीं है तो इस मैच में हो सकता है कमबैक कर ले, अच्छा खासा 3-4 विकेट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए मोहम्मद नमी, काफ़ी नीचे इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी तो हो सकता है इनको भी टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया जाए, हालांकि ऊपर से ठीक ठाक रन लगी थी तो आपको यहाँ से बैटिंग ऑर्डर के देख फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप 3 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो इनको आपने टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा गुलबदीन नायब, अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आयरलैंड का परफॉर्मेंस देख लेते हैं फिर आपको यहाँ से मैं ग्रैंड लीग की बात बताऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आयरलैंड का क्या परफॉर्मेंस रहा, तो यहाँ से देखिए विलियम पोर्टफील्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पे और इनका आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स ये सेंचुरी भी जड़ सकते हैं और फ्रेंड्स कभी भी कम बैक कर सकते हैं, तो अच्छे प्लेयर हैं बट फ्रेंड्स यहाँ पे 1 रन बना के आउट हो गए थे। इसके अलावा पॉल स्टर्लिंग ने यहाँ पे देखिए 89 रन की पारी खेली और लगभग सारे मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, बॉले भी कराते हैं फ्रेंड्स इनको लेकिन विकेट नहीं मिले। इसके
इसके अलावा देखिए एंड्रू पालमेन 2 रन बना के आउट हो गए थे, पर अच्छे प्लेयर हैं फ्रेंड्स, कभी भी कमबैक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जेम्स मैकनम, मैंने आपको पहले बताया 0 पे आउट हो गए, लेकिन चांसेस हैं इनको फिर से मौका दिया जाए, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टीम चाहे तो इनको चेंजेस भी कर सकती है। वो फ्रेंड्स आपको यहाँ से जब प्लेइंग 11 क्लियर हो जाएगा तो अपने टीम में चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं केविन ओब्रायन की, तो 10 रन इन्होंने बनाए, 5 नंबर पर खेलने के लिए आए थे। इसके अलावा देखिए सिमी सिंह है, 8 रन बना के 1 विकेट भी निकाला है सिमी सिंह ने। इसके अलावा आपके पास पॉइंटर हैं जो कि विकेट कीपर में आपको मिल जाएंगे, 7 रन इन्होंने बनाए, और टोकरोल का अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं इन्होंने, आपने देखा होगा T20 में भी अच्छा बैटिंग किया था और 1 विकेट भी निकाला है 37 रन बना के। इसके अलावा देखिए यहाँ से मकार्थी ने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 1 विकेट फिर भी इन्होंने निकाला है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं मुर्तक को, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका, और यहाँ से बॉडी रैंकिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, विकेट तो इन्होंने बराबर निकाले हैं और फ्रेंड्स बैटिंग से नहीं दे पाए, लेकिन बैटिंग से लगभग इन्होंने 4 रन ही बनाए थे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी चॉइस रह सकती है, आप इन प्लेयरों को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने भी किसी और साइड पे खेलना है तो देखिए सबसे पहले आप खेलिए लीग एक्स पे। अब लीग एक्स पे क्या होगा भाई, लीग एक्स पे ये होगा कि वहाँ पे आप अपनी टीम में 4 ऑलराउंडर को ईजिली अपनी टीम में पिक कर पाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए लीग एक्स पे आप 2 विकेटकीपर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, दोनों विकेटकीपर को अपनी टीम में ईजिली पिक कर पाएंगे। उसके अलावा यदि आपने फ्रेंड्स यहाँ से बैटिंग लेना है, यदि अफगानिस्तान का आपने देखा बैटिंग आता है फ्रेंड्स यहाँ से पहले, तो आप 6 यहाँ पे बैट्समैन को पिक कर सकते हैं, उसमें से 4 अफगानिस्तान के और 2 यहाँ पे आयरलैंड के भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका कॉम्बिनेशन रह सकता है। आपने देखा बॉलिंग आई तो आप यहाँ से 4 बॉलर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से, और यहाँ से 2 इनकी तरफ से भी ले सकते हैं आयरलैंड की तरफ से। तो इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे अपने मन की टीम बना के अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जब साइनअप करेंगे तो फ्रेंड्स 2500 रुपये आपको कैश बोनस मिल जाएगा खेलने के लिए, उसके अलावा 200 रुपये तक कैश बोनस लीग एक्स की तरफ से मिलता रहता है। तो बेहतरीन साइड है, आप यहाँ पर जरूर खेलिएगा, 100% कैश आप यहाँ पर कैश बोनस जो मिलता है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने यदि हाला प्ले अब तक इंस्टॉल नहीं किया है तो हाला प्ले पे जरूर खेलिएगा, और यहाँ पे आपने एक ही कैप्टन फ्रेंड्स यहाँ पे चुनना रहता है, मात्र एक खिलाड़ी आपने पिक करना है जो आपके लगता है बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, तो आप उसको अपने टीम में कैप्टन रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी आप 7-4 का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे आपको दोनों टीमों का जो प्लेयर रहता है तो वो टॉस के बाद दिखा दिया जाता है कि भाई ये आपके 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप इनमें से अपने प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको कुछ ऐसे निशान लग के आ जाएंगे प्लेयरों के ऊपर, तो आप उनमें से अपने प्लेयर ट्राई कर सकते हैं टॉस होने के बाद में। और जैसे ही आप देखिए रेफर कोड यूज करेंगे तो 100 रुपये आपको मिल जाएगा, जिसका आप 100% यूज कर सकते हैं किसी भी लीग में। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स आपने लीग अड्डा पे खेलना चालू नहीं किया तो फ्रेंड्स जरूर खेलेगा, क्योंकि आपके लिए ये बेहतरीन है। इसलिए बेहतरीन है कि फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो ये 200% यहाँ पे कैश बोनस मिलता है, मतलब आप यहाँ से साइनअप करेंगे तो 2500 रुपये फ्री में मिल जाएंगे आपको ईमेल और मोबाइल वेरीफाई कराने के। उसके अलावा जब 100 आप डिपॉजिट करेंगे तो ऑल टाइम यहाँ पे 200% कैश बोनस रहता है, मतलब मैक्सिमम 200 है। आप यहां से ज्यादा डिपॉजिट मत करिएगा क्योंकि इतना अमाउंट आपके लिए काफी है और मैक्सिमम 200 है, तो आपके यहां से टोटल ऑल टाइम जब भी आप यहां से रजिस्टर करते हैं तो फ्रेंड्स यहां से देखिए आपको 250 रुपये मतलब 275 रुपये आपके खेलने के लिए हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर जो ऑफर चल रहा है देखिए यहाँ से 300 रुपये तो आपके ये हो गए, 100 आप जो यहाँ से डिपॉजिट करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएंगे, और जो आपको यहाँ से ऑफर चल रहा है तो अभी यहाँ से 250 रुपये मिल रहा है 200 रुपये की जगह, तो 50 रुपये का आपके लिए प्रॉफिट है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आपको यहाँ से 375 रुपये खेलने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से जरूर खेलेगा। आप स्मॉल लीग खेलें चाहे आप खेलें ग्रैंड लीग, इतना अमाउंट आपके लिए विन करने के लिए अच्छा है फ्रेंड्स। यहाँ से 1 से 2 दिन में हर हाल में आपको फ्रेंड्स यहाँ से विड्रॉ दे दिया जाता है, बहुत अच्छी ट्रस्टेड साइट है, यहाँ पर जरूर खेलिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए साथ में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तीनों साइटों का लिंक आपको दे दूंगा और साथ में रेफर कोड भी दे दूंगा, तो आप यहाँ से जरूर खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टीम बनाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बोल दूँ, यदि टॉस के बाद आपको पता चलता है जो आपने प्लेइंग 11 पिक किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यदि अफगानिस्तान की बैटिंग आती है तो इनका आप टॉप ऑर्डर लेके फ्रेंड्स सीधा यहाँ पे बॉलर पे फोकस कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स यदि देखिए हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है यदि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो बाकी आपको एक बार फिर से लो स्कोरिंग मैच देखने के लिए मिल सकता है यदि आयरलैंड की बैटिंग आती है। तो फ्रेंड्स आपने इस चीज़ का बिल्कुल याद रखना है। स्टुअर्ट पॉइंटर, अब बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पॉइंटर जो
हुए हैं काफ़ी नीचे खेलने के लिए आते हैं और शहजाद का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह भी क्लियर है कि पॉइंटर की बैटिंग भी आना कन्फर्म है, तो आप छः टीम लगाओ तो चाहो तो आप एक टीम में पॉइंटर को ले सकते हो। यदि शहजाद आते ही आउट हो गए ओपनिंग में और पॉइंटर ने 20-30 रन लगा दिए तो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं यहाँ से पॉल स्टर्लिंग, जो सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपने लेना है तो आप यहाँ से असगर अफगान को ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ से सईदी को ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन काफ़ी हैं, आप रहमत शाह को लीजिए जो कि आपको 3 नंबर पे खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा पोर्टफील्ड आपको फिर से एक बार ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं, और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए शहीदी आपको मिल जाएंगे 4 नंबर पे खेलते हुए। इसके अलावा असगर अफगान हैं फ्रेंड्स, इनकी बैटिंग नहीं आई थी, काफ़ी नीचे खेलने के लिए आए थे, लेकिन अपने आप को ऊपर भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नजीबुल्ला जिदरान हैं, लगभग 6-7 नंबर 6 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। जजाई को आपने लेना तो यहाँ से ओपनिंग करेंगे, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से जेम्स मैकलम थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स टीम चाहे तो उनकी जगह पर चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन खेलेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कैपेबिलिटी है इनके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं देखिए अभी 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ इधर से बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ से मस्ट पिक रहने वाले हैं। जो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए गुलबदीन नायब हैं, जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, उनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट भी किया जाता है। इसके बाद अलावा आपने लेने थे सिमी सिंह को, आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यदि आपने लेना है यहाँ से देखिए मोहम्मद नमी को, तो आप यहाँ से नमी को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये आपके ऊपर रहने वाला है आपने यहाँ से किसको पिक करना है। बाकी देखिए यहाँ से मैं अभी बात करता हूँ बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आपके पास देखिए राशिद खान है, जो कि यहाँ से मेरे हिसाब से इस मैच में कमबैक करते हुए दिखने वाले हैं आपको। आप यहाँ से मुजीब रहमान को ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बॉडी रैंकिंग अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। आपने 6 फ्रेंड्स यहाँ से ग्रैंड लीग में आप 5 बॉलर के साथ भी जा सकते हो। यदि फ्रेंड्स आयरलैंड की पहले बैटिंग आती है तो आप यहाँ से 5 बॉलर्स को ट्राई भी कर सकते हो, जो कि डॉक रोल है, आपको पता है बैटिंग आ ही जाएगी अगर पहले बैटिंग आती है तो। फ्रेंड्स इनका बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स आपने सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि दौलत जिदरान, जो कि फ्रेंड्स लास्ट मैच में आपने देखा यहाँ से 3 विकेट इन्होंने निकाल दिए, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी चॉइस सकते हो। देखिए 5 बॉलर्स को मैंने यहाँ से ट्राई किया, अभी आपके पास यहाँ से 1.5 क्रेडिट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यही आपके मेरे हिसाब से अच्छी टीम रह सकती है, तो आप इस टीम के साथ खेल सकते हैं। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर जो भी रहते हैं यहाँ पे सारे पिक किए हैं। यदि आपने चाहिए मोहम्मद नमी को, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से अपनी टीम में नमी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी उस केस में होगा ये कि आपने एक प्लेयर को यहाँ से ड्रॉप करना होगा अपनी टीम से, चाहे तो फ्रेंड्स आप देखिए ग्रैंड लीग खेलते हैं आप, देखिए इस मुजीब को यहाँ से अपनी टीम से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मुजीब को देखिए मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने पिछले बार लिया था, आपके बार देखिए 87% टोकन के साथ जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ से एक आधी विकेट ले पाते हैं और उसके लिए उसके इसमें फ्रेंड्स यहाँ से नमी को आपने टीम में ट्राई कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा यदि आपने लगता है कि भाई मुजीब इस मैच में फिर से अच्छी विकेट ले जाएंगे, तो आप मुजीब को ट्राई कर सकते हो। उस केस में होगा ये कि आपने बॉडी रैंकिंग को यहाँ से अपनी टीम से रिमूव करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके देखिए आपके पास केविन ओब्रायन का ऑप्शन बचेगा, आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं, जो कि आपको अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं। स्टुअर्ट थॉम्सन खेलेंगे तो इनको अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी विलियम पोर्टफील्ड को यहाँ से बैटिंग में से ले सकते हैं, जो कि ओपनिंग करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, और आपके पास यहाँ से ऑप्शन में एंड्रयू बाल्डविन का ऑप्शन है, 0 पे आउट हो गए थे फ्रेंड्स यहाँ पर, और मैकोनम ये भी फ्रेंड्स, तो आप लिए ये जो प्लेयर है ये ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छा रोल करने वाले हैं। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, यदि अफगानिस्तान के फ्रेंड्स यहाँ से बैटिंग आती है तो आप यहाँ से कोशिश करिएगा हाई स्कोरिंग मैच हो जाए। फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता दूं, अफगानिस्तान का कोशिश करिएगा लगभग टॉप ऑर्डर तो आपने और टॉप 3 तो लेने ही है। इसके अलावा देखिए आपके लिए यदि आयरलैंड की बैटिंग आती है, तो फ्रेंड्स जब आयरलैंड की आपको पता चलेगा बैटिंग आई है, तो फ्रेंड्स आप यहां से फिर से एक बार लो मैचेस की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहां पे इंपॉर्टेंट जो इनके प्लेयर रहते हैं जैसे पॉल स्टर्लिंग, वो हर मैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऐसे प्लेयरों को आप अपनी टीम में ट्राई करिएगा। खासकर स्मॉल लीग या खेलें आप ग्रैंड लीग, तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। ग्रैंड लीग में आपको खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन रहने वाला है, आप यहाँ से किसके साथ जाना पसंद करेंगे। आपने लेना है यहाँ पर मोहम्मद नमी को, तो आप यहाँ से नमी को पिक कर सकते हैं, जो कि लगभग मेरे हिसाब से पिछले बार इनकी बैटिंग ही आई थी आपने देखा था, और चाहे तो टीम इनको ऊपर प्रमोट कर सकती है हार्ड हिटिंग के लिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 प्लेयर हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और लगभग 1 और 2 और 3 ये लगभग 3 नंबर तक प्लेयर खेलने के लिए आते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकती है। साथ में यहाँ से मैंने पॉल स्टर्लिंग को लिया, जो कि सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए गुलबदीन नायब, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आपने देखे ही लास्ट मैच में। इसके अलावा मैंने यहाँ से सिमी सिंह को पिक किया, जो कि लगभग अपने कोटे के ओवर भी कराएंगे और बैटिंग आना इनकी कन्फर्म है, तो कुछ रन यहाँ से
20-30 करके हमको यहाँ से पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी देखिए, दौलत को लिया है मैंने यहाँ से, राशिद को लिया है मैंने, मुजीब को लिया है, और मैंने यहाँ से डॉकरॉल को लिया है। तो डॉकरॉल यदि बैटिंग करते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। अभी ऑप्शन में आपके पास यहाँ से बॉर्ड रैंकिंग का ऑप्शन है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यदि आपने यहाँ से एक प्लेयर को रिमूव करना है तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से चाहे तो राशिद को, चाहे मुजीब, चाहे दौलत, इनमें से किसी प्लेयर को अपनी टीम से रिमूव कर सकते हैं। यदि आपने लेना फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा और चांस, तो आप अपनी टीम से रहमत शाह को भी यहाँ से रिमूव करके देखिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ से रहमत शाह को यदि अपनी टीम से रिमूव करते हैं तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं रहेगी। आप यहाँ से अपनी टीम में इजिली फ्रेंड्स यहाँ से पोर्टफिल को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इस केस में होगा ये कि आप यहाँ से मोहम्मद नमी को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास ये टीम रह सकती है आपने खेलना इस टीम के साथ। तो देखिए, कैप्टन के लिए बैटिंग आती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये कैप्टन रखिए। आप जिनको कैप्टन रखिए इनमें से दोनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यदि कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना तो आप यहाँ से देखिए राशिद खान जो नहीं चल रहे थे तो इनको ट्राई कर सकते हैं आप मोहम्मद शहजाद के सामने, क्योंकि इनकी बॉलिंग भी अच्छी रहती है और यहाँ से ओपनिंग आएंगे शहजाद तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी ओपनिंग जजाई भी हैं तो इनके साथ में आप यहाँ तो ट्राई कर सकते हैं किसी प्लेयर को। तो फ्रेंड्स, ये आपकी चॉइस रहने वाली है। आपने जिन प्लेयर को यहाँ पर ट्राई करना है अपनी मर्जी से बिल्कुल यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोज रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।